नमस्ते दोस्तों। दोस्तों ये जो इंजन आप देख रहे हैं ये MK12 इंजन है। दोस्तों इसका प्रॉब्लम यह है कि ये इंजन स्टार्ट तो होता है पर स्पीड नहीं होता। मैं गवर्नर को जितना भी स्पीड करना चाहूँ स्पीड नहीं होता है। दोस्तों स्पीड ना होने का दो ही कारण हो सकता है, उसके अंदर अगर बटरफ्लाई घुस गया होगा तब स्पीड नहीं होगा, और ये अगर ये जो वेपर है इसको वेपर बोलते हैं, अगर इसके अंदर कचरा जम गया होगा, धुआं जम गया होगा, तभी ये इंजन स्पीड नहीं होगा। लेकिन मैंने उसका पुराना वाला खोल के देख चुका हूँ, जब खोला तब ये टूट गया, यहाँ से टूट गया। जब मैं खोल रहा था तो यहाँ से टूट गया, इसीलिए मैंने उसको नया लगाया। ये बिल्कुल ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम हुआ है उसके अंदर खोल के देखते हैं। अभी अंदर खोलने से पहले मैं आपको कार्बोरेटर दिखा देता हूँ, ये भी आप देख लीजिए। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना ये अभी हाई स्पीड पर है। अभी मैं गवर्नर को पीछे खींचता हूँ, देखिए ये स्लो हुआ, अभी ये हाई स्पीड पर है फिर भी इंजन स्पीड नहीं होता है। मैं जितना भी कोशिश करता हूँ इंजन को स्पीड करने के लिए फिर भी नहीं होता है। मुझे हेड खोलना पड़ेगा तभी मेरे को पता चलेगा उसके अंदर क्या हुआ है। ये देखिए अभी हम उसको खोलेंगे, खोलने के बाद हमें पता चलेगा। ये देखिए जहाँ पर पेट्रोल अंदर जाता है वो जगह पूरा फिलअप हो चुका है, उसमें जगह ही नहीं, जितना हवा और पेट्रोल मिक्स होकर अंदर जाना चाहिए नहीं जाता है, इसीलिए ये इंजन स्पीड नहीं होता है। ये देखिए कितना कचरा जमा हुआ है। फ्यूल और हवा का जो मिक्सचर है वो अंदर जाता है, जितना जाना चाहिए उतना नहीं जा पाता है। जितना भी कचरा है ना वो जहाँ जाता है, ये जो इंजन का जो ऑयल फ्यूल मिक्स होकर जाता है, देखो पूरा वाल्व को बंद करके रखता था। अगर हम ये उसको साफ कर देंगे तो वो बराबर इंजन चलने लगेगा, जितना स्पीड भी करो स्पीड भी होगा। दोस्तों उसका प्रॉब्लम बस इतना ही था और कुछ नहीं।